नमस्कार। आप सभी को याद होगा या सुने होंगे 1998 की बाढ़ की विभीष का, जिसने गोरखपुर को दहला दिया था। उससे भी भयावह स्थिति से केरल के निवासियों को दो चार होना पड़ रहा है। भयावहता के कुछ आंकड़े आपके सम्मुख प्रस्तुत हैं। केरल के 14 में से 13 जिले बुरी तरह बाढ़ से प्रभावित हैं। 50,000 से ऊपर घर ढह चुके हैं। 23 पुल ढह गए हैं। हजारों किलोमीटर की सड़कें क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। लाखों एकड़ में फसल तबाह हो चुकी है। 200 से ऊपर लैंडस्लाइड अब तक हो चुके हैं। 2100 से ऊपर राहत कैंप चल रहे हैं। एयरफोर्स, आर्मी, नौसेना, कोस्ट गार्ड और NDRF की 100 से ऊपर टीमें लगाई गई हैं। 350 से ऊपर अब तक लोगों की मौतें हो चुकी हैं। इस महाप्रलय में गोरखपुर न्यूज आप सभी से अपील करता है कि केरल वासियों को आप दिल खोल कर दान करें। उनके इस विपरीत समय में आपके साथ और सहयोग की आवश्यकता है। हम सभी को हमेशा शिकायतें रहती हैं सरकारों से, फिर भी भरोसा हमें सरकारों पर ही करना पड़ता है। इसलिए आप सभी सीधे केरल के मुख्यमंत्री आपदा राहत को उसमें दान करिए। आप द्वारा दी गई दान राशि पर इनकम टैक्स की छूट भी प्राप्त आपको प्राप्त होगी। आप केरल सरकार की वेबसाइट www.donation.cmdrf.keral.gov.in, आपको अलग से बता देना है www.donation.cmdrf.kerala.gov.in पर लॉगिन करके विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कई तरह से दान दे सकते हैं जो वेबसाइट पर उपलब्ध है। आप अपने खाते से बैंक से दान राशि को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दान की दी गई राशि पर कोई ट्रांजेक्शन ट्रांसफ़र फीस नहीं लगेगा। दान की राशि की रसीद भी आपको मिलेगा। इसके अलावा गोरखपुर न्यूज उन दानकर्ताओं को एक सम्मान समारोह का आयोजित कर उन सभी को सम्मानित करेगा जिन्होंने सम्मानजनक राशि दान किया होगा, ताकि दूसरे लोग भी उनसे प्रेरणा ले सकें। महाप्रलय की ये फुटेज में अभी आपको हम दिखा रहे हैं। प्रसिद्ध सबरीमाला मंदिर सहित तबाही के कई मंजर और बचाव की फुटेज आपके समक्ष प्रस्तुत है। इसके अतिरिक्त अंत में आपको एक केरल सरकार की जो विस्तृत जो उनके अकाउंट नंबर की डिटेल है वो भी दिखाई जाएगी। आप सभी सहयोग करें। केरल हमारे देश में ही है और केरलवासी भी भारतीय हैं। धन्यवाद। Thank you.
पकड़ना। 300